केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। कहवारा अग्निकांड में 1.5 लाख की संपत्ति जलकर खाक। बीते मंगलवार की रात्रि 10 बजे के आसपास प्रखंड अंतर्गत चिलकारा गोविंद पंचायत के कहवारा गांव निवासी देव नारायण हेब्रम के घर में अज्ञात कारणों से लगी आग से लगभग 1.5 लाख रुपए मूल्य की संपत्ति जलकर खाक हो गई। आग लगी इसके बारे में बताया गया कि गत 10 बजे रात को जब घर में लगी आग तो लपेटे जोर से पकड़ने लगी, तो घर के अंदर सो रहे देव नारायण हेब्रम की पत्नी और बेटा छत से कूदकर अपनी जान बचाई। अगल बगल के ग्रामीणों के सहयोग से आग पर काबू पाया गया। तब तक घर का सामान जलकर राख हो गया था। देव नारायण हेब्रम पुलिस के पद पर कार्यरत है। देव नारायण हेब्रम की पत्नी शांति मुर्मू ने अग्नि सहायता अनुदान हेतु अचल अधिकारी को दिए आवेदन पत्र में लिखा कि घर में रखा हुआ खाद्यान्न, वस्त्र, बर्तन, खटिया, चौकी, कुर्सी, टेबल, टीवी आदि जलकर खाक हो गया है। आग बुझाने के क्रम में घर का मेन गेट खोलने के दौरान उसकी चपेट में आने से देव नारायण बेटे बदन आंशिक रूप से झुलस गया। आग लगी की सूचना पाते ही जिला परिषद सदस्य पथरगामा पूर्वी फूल कुमारी देवी मौके पर पहुंचकर प्रखंड प्रशासन को इसकी जानकारी दी और तत्काल सहायता हेतु प्रखंड प्रशासन से 2 कंबल एवं 20 किलो अनाज मुहैया कराया गया। मौके पर पहुंचकर राजस्व निरीक्षक एवं पंचायत सचिव राजू साह पहुँच स्थिति की जानकारी ली। कैसे आग लगा घर में? नहीं पता सर, रात में 10 बजे आग लग गया जी। अब दिन में तो हुआ नहीं, हुआ तो रात में। अब रात में हम कैसे, हम लोग तो छत में सोए हुए थे ना। तो जानकारी कैसे मिली कि आग लग गया? जानकारी जो पूरा करकट जो फटने लगा, आवाज ब्राम ब्राम करने लगा, अगला आदमी सामने वाला सभी चिल्लाया कि अरे आग लगा है, आग लगा, तुम लोग को पता है कि नहीं पता है, भागो जान बचाओ। तो आगे तो सब बंद है, दरवाजा एक ही है, हम लोग पीछे से तो कूद कर भागे अपना जान बचाने के लिए। तो आग पर कैसे काबू पाया गया? ग्रामीण लोग जमा हुए, वही सब किए, फिर गोड्डा से हम लोग दमकल मंगवाए थे। रात में दमकल भी आई, दमकल भी आया था, तो वो भी थोड़ा मदद बोले कि अगर पाइप चलाते हैं तो समूचा घर का सामान बर्बाद हो जाएगा, इसलिए वो लगे बाल्टी या बाल्टी पानी के करके पीता है। जी मैम, आप इस क्षेत्र के जिला परिषद सदस्य भी हैं, क्या प्रखंड प्रशासन या किसी को इसकी जानकारी आपके द्वारा दी गई? हाँ जी, जैसे सूचना मिला तो मैं आई, लोगों से मिले और देखे तो मतलब दो रूम क्षतिग्रस्त है, सामान काफी जल चुका है। और फिर मैं वीडियो साहब से बात की तो वीडियो साहब बोले कि आवेदन आया है मैडम, तो फिर हम लोग कार्रवाई करते हैं आगे, और जो सरकारी लाभ मिलेगा तो हम लोग कोशिश करेंगे देने के लिए। और फिर मैं सीओ साहब से भी बात की, सीओ साहब बोले क्या कि हम अभी है नहीं, रांची गए हैं, हाई कोर्ट में कोई केस है, उसलिए तो बोले क्या कि कर्मचारी को भी उसके रिपोर्ट करवाते हैं मैडम, फिर आते हैं, फिर हम लोग जो है उसका मुआवजा कराएंगे, रहेगी हम लोग की। धन्यवाद। केवल ये हाथ में ही जला हुआ है और कहीं? अरे ये क्या भैया, ऐसे वीडियो देखे जा रहे हो? तनका सब्सक्राइब कर लो और हाँ, घंटा का बटन जरूर दबाना, तब हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। यहाँ वहाँ का देखा तो हम तो का ही कहते हैं, जल्दी दबाओ।